Hey bro, say no more. Love thy wife, Nita, Senorita. Ashika Bivika. Oh really? Ashika Bivika. Don't tell me. Ashika Bivika. You're crazy. Ashika Bivika. Let me tell you a story that's so funny. Honey, you laugh, show your butt. Yes. Every time the curtains open, new plot, new emotion. You scream, you shout, giggle, giggle, out loud. You're so, so slippery. You cry, you're humorous. Yeah. Ashika Bivika. Ashika Bivika. Ashika, Ashika, Ashika. आपको हार्ट अटैक आ गया, इस इन सब चीजों की वजह मैं हूँ। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाती। अब तुम लोगों को ध्यान रखना होगा कि दीवान चंद के सामने ऐसी कोई घटना ना हो जिसके कारण उनके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा कोई सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। काश उसकी शादी हो जाती, कम से कम भैया की परेशानी दूर हो जाती। आप और कुछ भी करने को कहे मुझे मंजूर है, पर शादी के बारे में बात मत कीजिए। मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह जाना कार्ड बनाने के लिए। तुम भी होगी फिर कभी। बाय बाय। कार्ड बांटने आई थी या ताना मार रहे? कितनी स्मार्ट है ना सरला, ताना भी मार गई और हमें पता ही नहीं चला। मुझे तो चला। क्या हुआ आप दोनों को, ऐसे क्यों खड़े हो? और ये शादी का कार्ड? मेरी सहेली की शादी का कार्ड है। विमला की सहेली नहीं, हमारी सहेली, उसकी तीसरी शादी है, कार्ड देने आई थी। तीसरी? कितनी खुश नसीब है लकी। तो कैसे मूर्खों जैसी बात करती है, ताकि तू समझ सके। अच्छा अच्छा विमला बुआ, आपको पापा अंदर बुला रहे। हाँ, अरे कमला बुआ आपको नहीं, विमला बुआ को बुलाया। अरे भैया आपने मुझे बुलाया। हाँ, अरे आपको कुछ खाना है तो बोल देते, अब मैं अभी बना के लाती हूँ। कुछ खाएंगे भैया? अब पता है हॉस्पिटल वाले तो बस मरीज से पैसा इतना जानते हैं, वैसे ख्याल तो रख ही नहीं सकते मरीज का। अब देखो ना, हर मरीज को एक जैसा उबला खाना दे देते हैं। अब अगर बेचारा मरीज अगर कहे कि उसे कुछ खाना है तो वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता ना। आप बोलिए ना आपको कुछ खाना है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप बोलिए ना। क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल नहीं रहे? अब मैं क्या बोलूं, बोलने देगी तो बोलूंगा ना। खाने के बारे में पूछा ही नहीं और लगी कहानी सुनाने। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? ये भैया ने सिर्फ विमला को ही अंदर क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात है जो विमला से की जा सकती है मुझसे नहीं? कोई ना कोई बात तो जरूर है, मुझे पता करना चाहिए। अरे बुआ कहाँ जा रही हो? पता लगाने। क्या पता लगाने? नहीं नहीं, तुझे भूख लगी है ना, मैं कुछ लेकर आऊं। नहीं आप इधर ही बैठिए। अच्छा विमला, मेरी टेलीफोन डायरी नहीं मिल रही, जरा देखना तो कहाँ है, यहीं रखी थी। हाँ यहीं तो पड़ी थी, नहीं मिली, मैं अभी ढूंढती हूँ। वाह आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं नहीं नहीं, मैं तो मैं ठीक हूँ। फाइन ना? वैसे बुआ
मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? पापा ने सिर्फ विमला बुआ को क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी बात हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पता लगाती हूँ। बुआ? अरे मैं पता लगाती हूँ ना। नहीं, मेरे पास बैठो। अच्छा। अच्छा वो टेबल टेबल पे दे। नहीं भैया, यहाँ भी नहीं है। चली गई। भैया ये अचानक डायरी की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? वो डायरी में वकील दीदी का नंबर, उसे फोन करके यहाँ बुलाना, समझी? बस इतनी सी बात? मैं ड्राइंग रूम में ढूंढ कर देखती हूँ, मिल जाएगी तो मैं खुद फोन करूँगी। ठीक है सुन, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर से नीता को, समझी? जी। जा ढूंढ। अच्छा बुआ मैं जा, आप यहीं बैठ। हाँ हाँ तू जा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जा। पता लगाती हूँ कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। एक ऐसा चोर जिसने पूरा जीवन भर चोरी की और फिर भी इसके खाते में कोई पाप नहीं, आश्चर्य। अच्छा चोर मुझे ये बताओ कि तुमने पूरा जीवन चोरी की और तुम्हारे खाते में कोई पाप नहीं? अरे ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मेरे पति ने वकील को क्यों बुलाया है? क्या वकील को बुलाया? हाँ वकील को बुलाया है। लेकिन ये वकील होता क्या है? वकील वकील होता है। अच्छा और वो वकील करता क्या है? जो झूठ को सच और सच को झूठ कर देता है। इंटरेस्टिंग। और वकील दिखता कैसा है? हाँ कुछ कुछ ऐसा दिखता है। अरे लेकिन ये तो चोर है, ये वकील के जैसा कैसे दिख सकता है? ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है? आपने बिल्कुल सही पहचाना राधा जी, ये वही चोर है जिसने सराफा बाजार में तुम्हारा पर्स चुराया था। वही तो, तभी मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। चोर बदमाश, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ठहर जा। अरे राधा जी रुक जाइए। अरे कहाँ भागा चला जा रहा है, मैं थक जाऊंगी, रुक जा। अरे रुक, अरे रुक, मैं थक गई हूँ, भगवान के लिए रुक जा। अरे कितनी तेज भागता है ये। चित्रगुप्त जी इसे नर्क में डलवाना, खंगोर नर्क में, ये पापी है, लुटेरा है, इसे गर्म तेल में डलवा दो। नहीं कदापि ऐसा नहीं मैं कर सकता। चित्रगुप्त हमने इसका स्वर्ग में रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। अरे लाल सींगों वाले यमराज जी, ये चोर स्वर्ग में रहने लायक नहीं है, घोर नर्क में रहने लायक है, घोर नर्क में। ये आपकी सोच है राधा जी, हमारे हिसाब से ये चोर स्वर्ग का हकदार है और इसका ये हक कोई नहीं छीन सकता। कौन से हिसाब की बात कर रहे हैं आप? उस हिसाब की जिसकी गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद मैं यहाँ यमलोक में पड़ी हूँ और रो रही हूँ मैं।
हमारी गलती को बार बार बताकर हमें एहसास मत दिलाया करो। राधा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इस चोर ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसे हम इसे नर्क में भेज सके। क्यों? चोरी करना पाप नहीं है क्या? लेकिन इसने चोरी की ही कहाँ है? इसने लोगों के पाप के धन को अच्छे काम में लगाया। इसने धर्मशालाएं बनवाए, स्कूल बनवाए और क्या क्या बनवाया तुमने? और इसने जो काम किया वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। वो काम तो सिर्फ साधु महात्मा ही कर सकते हैं, जो काम इसने किया है। लेकिन मेरा पैसा तो पाप का नहीं था, वो तो गलत किया ना इसने। लेकिन तुम्हारा पैसा झोल का था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसे, जब तुमने वो साड़ी 12,000 में खरीदी थी, हाँ, और अपने पति को बताया 20,000, हाँ, यानी तुमने 8,000 का झोल किया। बोलो बोलो, अब बोलो बोलो। और याद है वो ज्वेलर्स ने 75,000 रुपए का एक हार खरीदा था और तुमने अपने पति को बताया 1,00,000 रुपए, यानी 25,000 रुपए का तुमने यहाँ पर भी झोल किया। दोनों झोल मिलाकर हो गया 33,000, और ये 33,000 रुपए इसने एक अच्छे काम में लगा दिए। अरे, पति से झूठ बोलना हर पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन धर्म सिद्ध अधिकार नहीं। धर्म पत्नी का अपने पति से पैसे लेना कोई पाप नहीं है। मांग कर लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन झोल करके लेना एक अभिशाप है। तो हम इस चोर को स्वर्ग लोक में भेजेंगे और इसे स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कैसा कानून है आपका? अगर यही आपका कानून है तो वो कानून अंधा है। जहाँ एक चोर को स्वर्ग भेज दिया जाता है और एक अबला नारी बेचारी कवारी। हमारा मतलब है एक शरीफ औरत को आप जैसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है। देखो रोना। बात कर रही होगी, मुझे क्यों नहीं बुलाया? विमला, 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 विमला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? बता ना, बता। क्या? तू अंदर क्या कर रही थी? अंदर? वो तो भैया ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं उनसे मिलने गई थी। वो तो मुझे पता है। जब पता है तो पूछ क्यों रही है? जाना अपना काम कर। नहीं लगेगा ना। क्यों? सच्चाई जाने बिना बताना, बताना, बताना। चुप कर, शोर मत कर, और तू मुझे बोर मत कर। अच्छा बता, क्या कहना है? तू मेरी बहन है ना? हाँ। हाँ? बताना, बताना। ऐसी कौन सी बात थी जो भैया सबके सामने नहीं कर सकते थे, तुझे अंदर बुलाया? हाँ बता। ओ, भैया की दवाइयां नहीं मिल रही थी ना, इसलिए उन्होंने मुझे दवाइयां ढूंढने के लिए बुलाया था। तू तो बहुत अच्छी है। वो तो मुझे पता है। विमला, क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? वो तो मुझे पता है। क्या? मतलब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देख विमला, तू मेरी बहन है और मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तू कितनी स्वार्थी और सेल्फिश है। मैंने कभी भी तेरे से कोई राज नहीं छुपाया, हमेशा तुझे सब कुछ बताया और मैंने हमेशा तेरा साथ दिया सुख दुख में। हाँ, हमेशा तेरे साथ रही और कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ी रही, और तू तेरे हर फैसले में मैंने तेरा साथ दिया हमेशा, चाहे वो गलत भी हो। अगर तूने उन्हें शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो मैंने भी शादी करने से इनकार कर
नौटंकी हो गई या कुछ बाकी है? बस मुझे इतना ही याद था। चल अब बता बता वरना मैं नहीं तो क्या मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाय सची। अच्छा ठीक है, मेरी इकलौती बहन बताती हूँ। चल ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे उधर नहीं बता सकती थी? देख दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा तो मुझे पता ही नहीं था। चल चल इधर आ, सीढ़ियों के पास जाते हैं। अब तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? अरे तुम कितनी भुलक्कड़ है, अभी तो तूने मुझे कहा कि दीवारों के कान होते हैं। चल चल बता बता। अरे अरे बता ना। भैया ने खास हिदायत दी, ये बात नीता को ना पता लगे। अरे जब मुझे ही नहीं पता तो नीता को कैसे पता चलेगी? अच्छा वकील टीटिया तो समझ में आया। क्या कहीं जा रही है? हाँ क्यों? ये टीटी उसका नाम है। ये तो गलत है, एक आदमी के दो दो नाम कैसे हो सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसका नाम है तैमूल टाटा, वकील तैमूल टाटा, शॉर्ट फॉर्म टीटी। ओफो तू इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही है? पहले ही बता देती वकील का नाम है, टफर गई की। हाँ? हाँ, अच्छा एक बात बता कि भैया ने वकील को क्यों बुलाया है? अब ये तो वकील आने पे ही पता चलेगा ना। हाँ, कि वो हुआ ये वकील क्यों? कौन वो? मैं तो कील की बात कर रही थी। हाँ, वो दीवार में वो कील। हाँ, बुआ वो कील। हाँ, बुआ। हाँ, हाँ, बुआ मैंने अपने कानों से सुना है कि आप किसी वकील के बारे में बात कर रहे थे। पगली कही की, सब लोग अपने कानों से ही तो सुनते हैं। तू परेशान क्यों रही? जा ना, तू जान जा रही है, जा। नहीं आप मुझसे कुछ छिपा रही। हमने आज तक तेरे से कुछ छिपाया जो आज छिपाएंगे? खामखा टेंशन ले रही है और मैं भी दे रही हूँ। नहीं बुआ, मैं सच्चाई जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो सच क्या है? वो भैया ने विमला ये बार बार हाथ क्या हिला रही है? मैं थोड़ी उसे बताने जा रही हूँ कि भैया ने वकील को बुलाया। क्या बात है बेटा, कुछ उखड़ी से लगती? पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे तो बेटा इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है, पूछो ना। पापा आप कुछ ऐसा करने की तो नहीं सोच रहे जो आपको इस वक्त नहीं करना चाहिए? पहली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या कहना चाहिए। आपने वकील अंकल को बुलाया है? अच्छा तो तुझे पता चल गया? जी हाँ, और मुझे ये जानना है कि आपको उनकी इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई। तो जानती है ना कि मैं बाहर नहीं जा सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, लेकिन काम तो निपटा है। अब ये कोर्ट कचहरी का काम ये कौन है? इसीलिए मैंने टीटी को बुलाया है ताकि ये काम तो निपट सके। नहीं आप अब भी मुझसे सच्चाई छिपा रहे हैं। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना तो
तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जो कुछ तुम जानना चाहती हो सब कुछ इसमें। पार्टी ने हमारी कंपनी को पेमेंट किया, वो चेक बैंक से वापस आ गया, बाउंस हो गया। इसीलिए मैंने टीटी वकील को बुलवाया था ताकि लीगल एक्शन ले। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल गई मैं। I'm sorry पापा, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक, लेकिन आइंदा अपने पापा पर कभी शक मत। सॉरी पापा, सॉरी ना। जा, जा कर आना। आप भी। चल कमला। कमला। काम भी ढंग से नहीं कर सकती तुम। तुमसे मैंने कहा था कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर से नीता। फिर कैसे पता चल? वो मैं फोन करने जा रही थी, इतने में नीता आ गई और उस कमला ने क्या कहा? टीटी ने आ रहा है? वो मैं फोन करने जा रही थी। ओह, तो जाओ फोन करो ना। जाऊं? आप और नहीं काटेंगे? हे भगवान, जा रही हूं। तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुंह उठाए मेरे घर तक चले आए? नीता,